तो हम लोग आगे पढ़ेंगे लाइन एंड सर्कल एंड लाइन। शायद एक जगह मैंने सर्कल और लाइन के बारे में बताया हूं, मैं थोड़ा सा बताया हूं ना सर्कल और लाइन के बारे में, कि अगर लाइन के सर्कल के सेंटर से लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर P हो और रेडियस R हो, तो P ग्रेटर देन R, P इक्वल टू R और P लेस देन R पे अलग अलग कंडीशंस, लाइन दूर होगी, नजदीक होगी, क्या होगी, उसी को आगे ले चलेंगे। और इसी में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी निकालेंगे, यानी क्या बात कर रहे हैं अपन लोग, सर्कल एंड लाइन, सर्कल एंड लाइन, इसी में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे भी बात करेंगे। हाँ, तो क्या हमने बोला कि अगर आपका ये कोई एक सर्कल है, ये एक लाइन है, तो यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है, ये रेडियस इसका R है, तो इस बात क्लियरली दिख रहा है कि P ग्रेटर देन R है, तो लाइन क्या होगी, लाइन अवे फ्रॉम सर्कल, अवे फ्रॉम सर्कल, ठीक है, पहली कंडीशन आ गया। दूसरी आपका, अगर यही सर्कल है आपके पास और ये आपका लाइन है, और ये यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने डाला P, और यहां से ये रेडियस के बराबर हो गया, मतलब P बराबर R हो गया, तो लाइन क्या हो गया, लाइन टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल। तीसरा नंबर पे अगर यहीं पे यही चीज था, पिछले भी बता चुके हूं हम बता चुके हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये रेडियस R है, अगर P की वैल्यू R से छोटी हो रही है, तो क्या कहलाएगा, लाइन कट द सर्कल, कट द सर्कल एट टू पॉइंट, दो पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है ना, दो पॉइंट पे कट करेगी। अब आते हैं जरा एक सवाल कर लेते हैं, फिर इसके जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमें बात करना है, कुल मिला के इसी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे ज्यादा बात करना है इस टाइम पर, कुछ एक दो सवाल कर लेते हैं। फाइंड चेक पोजीशन ऑफ लाइन, पोजीशन ऑफ लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस 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 फोर ले लेता हूं, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो। अगला सेकेंड क्वेश्चन में लिखा लो, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा इफ 2x plus 3y plus lambda equal to 0 is tangent to circle x square plus y square equal to x square plus y square minus 2x minus 4y minus 3 is equal to minus 4 equal to 0। अगर इस पे ये सर्कल पे टेंजेंट है, तो आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है, पहले वाले में आपको चेक करना है कि ये टेंजेंट है या नहीं, ठीक है। तो आप जरा से निकालें फटाफट, मुझे बताएं क्या आ रहा है। हाँ, तो सर्कल का सेंटर क्या है भाई, बता रहे हो, चलो हम भी बिल्कुल सही है, माइनस वन कामा टू, नहीं आउटसाइड है, अच्छा सर्कल का सेंटर ये है। रेडियस कितना है भाई बच्चों, सर्कल का रेडियस कितना है, क्या अंडर रूट में एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर, ये चार और एक पांच और चार नौ, यानी तीन आ गया क्या, अच्छा अंदर है, अच्छा ये लाइन ये है अपने पास x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर p निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इस पॉइंट से इसमें उठा रख दिया जाता है, ये हो गया वन प्लस टू माइनस टू अपॉन रूट ओवर वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, सही है ऐसा, ये वैल्यू आ गई वन अपॉन रूट टू। क्लियरली दिख रही है कि p की वैल्यू जो है r से छोटी है, मतलब कितना करेगी, कट एट टू पॉइंट, यानी अंदर से जाएगी, कट करते हुए जाएगी। सेकेंड वाले के लिए जरा बताएं, सेकेंड वाले के लिए क्या कंडीशन लगेगा, P बराबर R, यही यूज होने वाला है, R की वैल्यू तीन है, P की वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, फटाफट निकाल के बता दो कितना आ रहा है, तब तक हम भी निकाल देते हैं। वन कामा टू इसका सेंटर है, रेडियस तीन है, ये कह रहा है इसकी टेंजेंट है, ये है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो, क्या है बच्चों बताओ क्या आंसर क्या आया,
पी इक्वल टू आर, पी का मतलब इसको इसमें रख दिया, वन प्लस टू प्लस सिक्स प्लस लैम्डा अपॉन रूट, अच्छा बिल्कुल सही है, ये टू टू प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर रूट थर्टीन हो गया यहाँ पे, ये मॉडुलस इज इक्वल टू तीन छह दो आठ हो गया, थ्री रूट थर्टीन, ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू थ्री रूट थर्टीन माइनस एट, आई बात समझ में, ये आपका। अच्छा एक दो तरह से हो सकता है, ये प्लस माइनस थ्री रूट थर्टीन में ले लेता हूं, सोचो ये लैम्डा मॉड खुलेगा तो प्लस माइनस लग जाएगा, तो एक इसका मतलब ये होता है कि या तो इधर लाइन करेगी या तो इधर लाइन करेगी, ठीक है। आगे आते हैं, हमने बोला था कि अभी हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के ऊपर, तो किस तरह से लेके चलेंगे उसको जरा देख लेते हैं। तो देखिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपकी ये हो जाएगी, जैसे देखो ये आपके पास एक सर्कल है, मैंने कहा कि इस सर्कल का फिलहाल के लिए मैंने इस सर्कल का इक्वेशन कुछ ले लेता हूं, बड़ा ही सिंपल सा इक्वेशन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका लेने के पीछे बाद में बाकी जो भी आएगा उसको मैं आपको रिलेट कर दूंगा। अगर दूसरे वाला सर्कल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो पे मैं रिलेट कर दूंगा इसको। फिलहाल में ये आपके पास सर्कल है, इसका सेंटर क्या क्या हो गया, जीरो कामा जीरो। मैंने कहा कि एक कोई लाइन है वाई, हाँ रेडियस आर, बिल्कुल सही है, एक लाइन है रेडियस आर। मैंने कहा एक कोई लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या है लाइन अपने पास, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब अगर ये टेंजेंट है, इफ लाइन इज टेंजेंट, इफ लाइन इज टेंजेंट, अगर ये लाइन टेंजेंट है कहां पे, टेंजेंट टू सर्कल, तो इसका मतलब P की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, R के। P मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जीरो कामा जीरो पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे तो ये पहले mx माइनस y प्लस c इक्वल टू जीरो लिख लेते हैं। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे तो बोलो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा कि नहीं, जीरो का ये जीरो दे दिया, ये भी जाके जीरो दे दिया, सिर्फ क्या आया c आया, अपॉन नीचे में अंडर रूट के अंदर एम स्क्वायर प्लस वन आ गया, इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, आ गया बोलो आर के बराबर आ गया क्या। अरे अरे बात समझ में, एक ये तरीका हो गया, यानी यहाँ पे ये मॉड में डाल लेता हूँ, ये मॉड में डाल लेता हूँ क्योंकि मॉड में ही होता है, तो मॉड खुलेगा तो सी अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस आर हो जाएगा, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर हो गया। लेकिन मेरा ना मन यहाँ पे रुका नहीं, यहाँ इस ये बता के मुझे मजा नहीं आया, क्योंकि ये तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ज्योमेट्री यूज करके आपको समझा दिया कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये हो गई कि भाई ये देखो यही कहलाती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जो ये आई है यही क्या कहलाती है आपकी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। यानी जब भी कोई लाइन किसी सर्कल की टेंजेंट होगी ये चेक करना होगा, तो उसका जो सी वाला पार्ट होगा यानी वाई इंटरसेप्ट, वो प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर के बराबर कर देंगे या उसके बराबर होना चाहिए, बात समझ में आई। लेकिन ये जो जो, जो जो भी ये तरीका है वो सिर्फ इस तरह के पर्टिकुलर सवाल के लिए, यानी ये आपका किस तरह के सवाल, क्या है ये सर्कल की जरूरत है, हाँ मतलब नहीं, अच्छा हाँ ये भी एक बात करने वाली बात है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मैं लिख सकता हूँ, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, यही लिख सकता हूँ ना। लेकिन ये किस वाले सर्कल के लिए है, ये एक्स स्क्वायर, ये उसके लिए है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। अरे अरे बात समझ में, अगर मान लो कि सेंटर ओरिजिन ना हो करके, सेंटर ओरिजिन ना हो के दूसरा वाला अगर मान लो ऐसे हो गया कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल अगर होता तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाती है। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस केस में जहां पे वाई है वहां पे क्या हो, सिर्फ ओरिजिन तो शिफ्ट हो गया ए और बी पे, क्या हुआ है ओरिजिन शिफ्ट हो गया ए और बी पे, तो वाई के जगह पे क्या आएगा वाई माइनस बी, और एक्स की जगह पे क्या आएगा एक्स माइनस ए, तो बस सिंपली रिप्लेस कर दो कि ये वाई माइनस बी इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस
एम स्क्वायर, लेकिन अभी भी जो मुझे बात बतानी है वो तो कुछ और ही बतानी है। ये तो हम सब चीजें निकाल लिए, हमको ये बताना है कि जो भी ये तरीका हम लेके चल रहे हैं, ये तरीका आपका है स्पेशल सर्कल है, तो सर्कल के ज्योमेट्री से पी बराबर आर कर लिए। मान लो कोई और चीज होती, मान लो कि पैराबोला होता, इलिप्स होता, उस केस में हम कैसे डिसाइड करते सर वहां तो पी बराबर आर जैसी कोई कंडीशन तो हो नहीं सकती है, हाइपरबोला हो गया तो कैसे करेंगे। तो कोई भी लाइन किसी भी कर्व की अगर टेंजेंट होती है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं उसके लिए कि लाइन इज टेंजेंट कर्व, अगर कर्व है नहीं देन, हाँ ये भी सही है, देन डी इज इक्वल टू जीरो, डी मतलब क्वाड्रेटिक वाला डी, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या पुट लाइन इन कर्व, जैसे हमने लाइन को कर्व में पुट करेंगे तो इट बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन पुट डी इज इक्वल टू जीरो। डी इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो जाएगा कि जहां पे दोनों रूट, अब देखो मैं यहां पे ये अगर इसको कट करता तो d की वैल्यू कितनी होती, d ग्रेटर देन जीरो होता, क्योंकि दो रूट आते दो जगह कट करता, एक जगह टच कर रहा है मतलब दोनों रूट इक्वल हो गए, और दोनों इक्वल होने का मतलब d इज इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा d इक्वल टू जीरो। तो लाइन को उठा के जो भी कर्व होगी, सर्कल होगा सर्कल, पैराबोला होगा पैराबोला, इलिप्स होगा इलिप्स, हाइपरबोला होगा हाइपरबोला, या कोई अन्य अदर कर्व होगा, तो भी लाइन को उठा के सर्कल यानी उस कर्व में डाल देंगे और क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उस क्वाड्रेटिक का d इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, यही आपका कंडीशन दे देगा। अरे बात समझ में, तो इट गिव्स कंडीशन, जरा यहां पे भी आ गए हम लोग करेंगे, पहले आप नोट कर लो इट गिव्स कंडीशन, ठीक है ना, हम नोट कर लो पहले, उसके बाद हम इसको दोबारा लिखेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करें, तो ये आपका है यहां से क्या चीज, अच्छा तो हमने क्या कहा कि इसको इसी लाइन को सर्कल में उठा के पुट कर देंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जैसे एक्स स्क्वायर ये एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसका स्क्वायरिंग ओपन किया तो एक्स स्क्वायर का आया वन प्लस एम स्क्वायर, सबको दिख रहा है ऐसा, फिर आपका एक्स का कोफिशियंट आएगा, देखो यहां पर टू एम सी आएगा क्या, और प्लस यहां पे सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स आया है क्या, एक्स में क्या आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों रूट सेम होने चाहिए यानी इक्वल होने चाहिए, इसके लिए डी की वैल्यू जीरो और डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो। ये किसके लिए, हर कर्व के लिए बात ट्रू है, ये सिर्फ यही के लिए नहीं, हर कर्व के लिए ट्रू है, चाहे वो इलिप्स हो पैराबोला हो हाइपरबोला है यानी कोई एनी अदर कर्व हो। अब यहां से b के जगह पे आया 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 a के जगह पे 1 प्लस m स्क्वायर c के जगह पे c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये है 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 को कॉमन कर लेते हैं, 4 को एक्चुअल में कॉमन कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर में माइनस बैठा हुआ है इसके इंतजार में कि कब यहाँ से कुछ प्लस या माइनस बाहर निकलेगा। अब ये एम स्क्वायर फिर ये प्लस के साथ जा रहा है तो ये फिर से इनको अंदर में जाके प्लस या माइनस उल्टा करेगा इनका, यानी ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में आएगा और ये प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये इससे कट गया, बगल वाला कटेगा, हमने किसी और को काट दिया, तो ये आपका चार उधर चला गया, यहां पे बच गया सी माइनस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सबको दिख रहा है सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉमन कर लिया जाए तो वन प्लस एम स्क्वायर हो गया, सी की वैल्यू क्या सबको प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर आते दिख रहा है क्या, क्या यही पीछे भी टेंजेंट का कंडीशन था क्या, आए बात समझ में, वो था वो तो मान लो ज्योमेट्री से मैंने निकाला हुआ था, ये मैंने कैसे निकाला जो पूरा मेथड है किसी भी कर्व के लिए अप्लाई हो जाएगा। बाकी अगर मान लो आपके पास सर्कल ये स्टैंडर्ड ये वाला ना होकर सेंट्रल फॉर्म में होगा तो सिर्फ आपको क्या करना है वाई के जगह पे जो ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर जो इक्वेशन आप टेंजेंट आ रही है, इस इक्वेशन आप टेंजेंट से एक्स वाई के जगह पे वही दूसरा वाला ओरिजिन जहां शिफ्ट हो रहा है उसको डाल देंगे और एक्स के जगह पे जहां शिफ्ट हो रहा है उसको डाल देंगे। जैसे आप अलग अलग के लिए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दे रहे हैं, जैसे देखो तब लग आप नोट करो, हम अलग अलग के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं, कैसे लिखे हर किसी में सेकंड डिग्री कर्व है तो बनेगा ही बनेगा, सोचो सेकंड डिग्री
y square equal to 4x होता है, तो एक सेकेंड डिग्री कर्व है कि नहीं? वो भी सेकेंड डिग्री है, तो मैं एटलीस्ट y में तो क्वाड्रेटिक बनी गया, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x में या y में क्वाड्रेटिक बनेगा ही बनेगा, चाहे x में बने चाहे y में बने, ये तो बनना ही बनना है। तो मैं अलग अलग सर्कल के लिए अलग अलग इसकी टेंजेंट लिख देता हूं, मैं इसको हटा दूं यहां से, हटा दे तो आपका अब देखें यहां पे, जैसे मान लो पहला मैं यहां पे सर्कल लिख रहा हूं, जैसे अगर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो इधर में मैं टेंजेंट लिख रहा हूं, टेंजेंट क्या हो जाएगा, क्या वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, यही हो जाएगा। दूसरा वाला जरा बताना, अगर हमारे पास सर्कल x माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया, तब ये आपका इक्वेशन आप टेंजेंट y माइनस बी इक्वल टू एम एक्स माइनस ए प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा तीसरा, अगर मान लो कि सर्कल आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया, इस केस में अब बताओ वाई की जगह पे क्या फुटवा, क्या इसका सब किसी को परफेक्ट स्क्वायर याद है, क्या परफेक्ट स्क्वायर क्या बनता है, क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में, बता रहा हूं वही चीज, क्या जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बनता है ना। अच्छा तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इस बार इक्वेशन आप टेंजेंट हो जाएगी वाई प्लस एफ इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस जी प्लस माइनस आर अंडर रूट, आर की जगह पे भी आपका शिफ्ट हो जाएगा अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन आप टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके समझने वाली है, ये मतलब याद करने वाली बात है कि देखो मैं आपके लिए कह रहा हूं कि एक सर्कल है, इस पे किसी बाहर से कितने टेंजेंट खींच सकते हैं ना, कितने खींच सकते हैं बाहर से दो। अच्छा इस सर्कल के इस वाले पॉइंट से, इस सर्कल के किसी अपने उसके ऊपर के पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, सिर्फ एक। यहां पे अगर टेंजेंट खींचना होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू, यहां पे जब खींचना होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू आर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, पी इक्वल टू आर यूज, ठीक है ना। लेकिन जब यहां के लिए किसी पॉइंट के लिए यूज करना होगा तो मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पे कितनी टेंजेंट की इक्वेशन लिखी पड़ी है, दो दिख रहा है क्या, लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि ये दो टेंजेंट की इक्वेशन लिखी पड़ी है, ये आपका है, देखो दो लिखा है, एक प्लस में है एक माइनस में है, लेकिन अगर आप दो ये सोच के लिखोगे सवाल में कि ये प्लस में यहां से लेके चलो माइनस में यहां से लेके चलो, तो पूरा आप गलती कर बैठोगे, क्योंकि जिस समय स्क्वायरिंग होगा उस केस में आपका प्लस माइनस कोई फर्क ही नहीं डालने वाला है, बात समझ में आ रही है। तो ये देखो एम में कितना, एम में क्वाड्रेटिक आएगा क्या, ये जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो एम में क्वाड्रेटिक आएगा क्या इसको सॉल्व करने पे, एम में क्वालिटी का मतलब एम की कितनी वैल्यू दो, मतलब एम की दो वैल्यू मतलब कितने इक्वेशन है, कितने टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा दो। तो अब देखो ये कोई पॉइंट बाहर का है, मैंने कहा x1 y1, तो ये दोनों का लिख लेना इक्वेशन ऑफ बोथ टेंजेंट कैन बी ऑब्टेन्ड, और यही काम हर बार हम करेंगे, कभी भी कोई और अन्य मेथड नहीं लगाएंगे, चाहे वो पैराबोला चाहे सर्कल चाहे एलिप्स, हर केस में हम यही काम करेंगे, कैन बी ऑब्टेन्ड बाई यूजिंग वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। और ये अगर ये दोनों, अब देखो ये दोनों ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद देखो इस ये वाली इक्वेशन दोनों की दोनों कहां से पास हो रही है, एक्स वन कामा वाई वन से पास हो रही है क्या, तो ये सेटिस्फाई करेगा, देन सेटिस्फाई, आपको बस यही काम करना है सेटिस्फाई एक्स वन कामा वाई वन, तो बोलो एक्स वन कामा वाई वन सेटिस्फाई करते ही एम की वैल्यू आ जाएगी, और एम की कितनी वैल्यू आएगी दो, पक्के तौर पर एम की वैल्यू दो आएगी, और दो आने का मतलब यह होगा किसके कितने टेंजेंट आ गए दो। एक और बात सुनो, आप लोग स्ट्रेट लाइन की, अच्छा स्ट्रेट लाइन की सीट डिस्कस ही नहीं किए हम लोग, नहीं किए थे पूरे, पूरी तरह से नहीं किए थे। स्ट्रेट लाइन की सीट में एक सवाल था, अगर मान लो कि स्लोप, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है जिसमें y गायब हो गया, या ये पूरा ऐसा बना है जिसमें से m गायब हो गया, m कट गया, m क्या हो गया कट गया, मतलब m आया नहीं, m क्वाड्रेटिक के बजाय लीनियर इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक के बजाय क्या आ गया लीनियर इक्वेशन,
उस केस में एक तो m आपका निकल के आ जाएगा, दूसरा वाला m क्या होगा? तो इस केस में दूसरा वाला m हमेशा याद रखना कि इनफाइनाइट होता है। जब आपके क्वाड्रेटिक, यहां क्वाड्रेटिक बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था? क्वाड्रेटिक। अच्छा, आया आपने पास क्या कि भाई यहां से ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना, सवाल कराऊंगा, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना, अभी आज हो सकता है आज के लेक्चर में हम करा दें, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा कि कॉम्बिनेशन की जिसमें से m कट गया, सिर्फ m में लीनियर इक्वेशन बन गई, तो m की कितनी वैल्यू आएगी? एक। होनी कितनी चाहिए थी? दो, क्योंकि पॉइंट अगर बाहर है तो दो टेंजेंट खींच सकते हैं पक्के तौर से, अगर दो टेंजेंट खींच सकते हैं, लेकिन यहां पे आया टेंजेंट की वैल्यू एक, अगर टेंजेंट स्लोप की वैल्यू आया एक, तो दूसरी वाला स्लोप क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली हम दूसरा वाला स्लोप m इक्वल टू इनफाइनाइट ले लेंगे। अब आप पूछोगे कि सर m इक्वल टू इनफाइनाइट कहां से आया? तो इसके लिए वही 12th में जब हम लिमिट पढ़ेंगे, लिमिट में आपको उसका फील देंगे कि भाई लिमिट में क्या होता है ना, कि जब कोई चीज इनफाइनाइट होती है तो उसको कॉमन करके हम काट लेते हैं, यानी कैंसिल आउट कर लिया। जैसे कभी एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट वाला केस करेंगे तो हाँ, तो ऊपर और नीचे से हाईएस्ट डिग्री कॉमन करके कैंसिल आउट कर देते हैं। इसका मतलब कैंसिल आउट हुआ है, मतलब वो वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो रही थी, तभी वो कैंसिल आउट हो गई अपने आप से, ताकि वो वैल्यू रियल दे दे। अरे बात समझ में? तो रियल देने के लिए एक m की वैल्यू कैंसिल आउट हुई है, इसलिए अगर कैंसिल खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक की बजाय लीनियर बना, तो एक m हम ले लेंगे इनफाइनाइट। और ये सवाल, यही मेंस का एक बार का सवाल भी पूछा हुआ है। बात समझ आ रही है? पहले नोट कर लेते हैं के फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू, नहीं मैंने क्या बोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज पैरेलल टू एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 टू द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो सर्कल का सेंटर जो भी है वो सेंटर हो गया कितना अपने पास, माइनस 2, 3, और अपने पास लाइन हो गई आपका x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन अगर लिखना होगा तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन सीधे सीधे x प्लस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर, रेडियस के बराबर, p इक्वल टू r, यानी p इक्वल टू r का अगर हमने यूज किया तो p बराबर अपने पास है, r बराबर है, r निकाल लेते हैं, r बराबर है अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12, और ये शायद आपका आ रहा है 5, क्योंकि 4 और 9 13 और 12 25, यानी 5 हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका, स्पेस डालेंगे 2 प्लस 3 प्लस लेमडा बाई अंडर रूट में शायद 1 प्लस 1, यही है ना, इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, मॉड में डाल दिया इसको, इज इक्वल टू 5, यानी ये आया आपका 1 प्लस लेमडा अपॉन रूट 2 इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5। तो आंसर आ गया लेमडा की वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस 5 रूट 2। आई बात समझ में? दो लेमडा की वैल्यू आई रख दिया तो आपके पास दो इक्वेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पास ये सवाल रहा, एक कंडीशन और करा के फिर मैं आपको सवाल हो देता हूं जिसमें आपका समस्या m को लेके होती है। पहले हम एक चीज और देखते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, थोड़ा उसको देख लेते हैं फिर हम सवाल सब पे मिक्स करा देते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, नहीं अभी तक क्या पढ़ रहे थे अपन लोग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ रहे थे ना अपन लोग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, थोड़ा सा पैरामेट्रिक पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्म का देखो, जैसे मतलब हमने कहा कि एक अपने पास सर्कल है, कोई एक सर्कल है, पैरामेट्रिक फॉर्म को दूसरी बात हम ये बोलते हैं कि जनरल पॉइंट या पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द सर्कल। और देखो, पैरामेट्रिक का नाम बस इतना ही होता है ना कि ऐसा पॉइंट हो जिसके चलने से, जिसके चेंज होने से सर्कल दोबारा जनरेट किया जा सके, इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। यानी पैरामीटर का मतलब भी होता है कि जहां पे वेरिएबल आपका एक हो या दो हो, जिसके चेंज होने से वो आपका कर्व आपका निकल के आ जाए। अब इस देखो, मैंने कहा कि ये कोई एक पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इस सर्कल का कोई भी पॉइंट अगर इस फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कहूंगा कि ये वाला कोई भी एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है। अरे बात समझ में? इस मतलब इसका मतलब ही होता है कि बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं जानते हैं कि सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर तो है, पर एक्स और वाई है कहां, एक्स और वाई कहां होगा, सर्कल के सरकमफेरेंस पे।
तो ये आपका सेंटर इसका 0.0 हो गया, और ये अगर एंगल थीटा बना रही है लाइन, तो बताओ ये थीटा 0 से 2 पाई में घूम जाएगा, सर्कल निकल के आ जाएगा क्या? थीटा कहां से कहां तक में घूम जाएगा? 0 से 2 पाई में। तो ये आपका एक पहली कंडीशन हो गया पैरामीटर के ऊपर कि 0 थीटा से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। अच्छा अब बताओ यहां पहुंच, अगर ये रेडियस r है तो यहां पहुंचने के लिए ये कितने डिस्टेंस चलेगा? ये x और ये y, ये क्या x की वैल्यू क्या है यहां से? x की वैल्यू r cos थीटा हो जाएगा क्या, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो क्या ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो x का y था वो आपका इसका कोऑर्डिनेट, इसी को हम बोलेंगे कि पैरामेट्रिक जो कोऑर्डिनेट हो गया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू r cos थीटा r sin थीटा। आप याद करो स्ट्रेट लाइन में मैंने इसको दिया था कि फाइंड इफ थीटा इज पैरामीटर देन फाइंड द कर्व, लोकस ऑफ कर्व। आप कर्व के लिए इसको h मान लिए थे, इसको k मान लिए थे, फिर दोनों का sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करके आप सर्कल निकाले थे। आई बात समझ में? तो यहां हमको जो पता चली बात वो ये कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या बन रहे हैं? पैरामेट्रिक पॉइंट जो बन रहे हैं वो यहां पे आपका पैरामेट्रिक पॉइंट आपने लिखा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। अगर मान लो कि आपका सर्कल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाता, उस केस में पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाते? तो क्या हो गया, ओरिजिन कहां शिफ्ट हो गया? ए का मा बी पे। आई बात समझ में? तो इसके x के जगह पे इस l x के जगह पे x माइनस ए आ जाएगा और y के जगह पे y माइनस बी हो जाएगा, सिर्फ इतना ही तो चेंज होगा। यहाँ पे x के जगह पे क्या होगा, x माइनस ए और y के जगह पे y माइनस बी, और डिस्टेंस तो वही रहेगी, और तो x बराबर हो जाएगा a प्लस r cos थीटा और y इक्वल टू a प्लस r sin थीटा। आ रही बात समझ में? तो ये अगर x माइनस ए y माइनस बी है तो इसको बराबर ये कर दो, इस x माइनस ए बराबर ये कर दो तो मिल जाएगा a बराबर a प्लस r cos थीटा, मिल गया ऐसा, और ये b प्लस r sin थीटा। आई बात समझ में? अगर सपोज कि सर्कल ये होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो यहां से आपके सामने समझ में आता कि प्लस जी r cos थीटा ही आता, माइनस जी प्लस r cos थीटा और माइनस f प्लस r sin थीटा, क्योंकि सेंटर कितना हो जाता इस केस में, सेंटर क्या हो जाता बोलो, माइनस जी का मा माइनस r, और r की वैल्यू अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसे मान लो मैंने छोटा सा ऐसा सवाल दे दिया कि फाइंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ पैरामेट्रिक पॉइंट या जनरल पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन सर्कल, अगर मैंने एक लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? बोलो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या? 5 cos थीटा 5 sin थीटा। अगर यहीं पे ये ना हो करके ये होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, इस केस में क्या निकल के आता है, इसका सेंटर क्या है? माइनस 1 का वहां तो सही है ना, तो माइनस 1 प्लस रेडियस कितना है इसका, रेडियस कितना है इसका? अरे एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर 4 प्लस 4 और एक 5, 5 और 4 9, 9 का 3, तो 3 cos थीटा और 2 प्लस 3 sin थीटा। आ रही बात समझ में? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाला, इधर वाला हटा दे, इधर वाला लिख लिया हो, इधर वाला तब वाला तब तक लिखो आप फटाफट। अब एक और चीज देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन पॉइंट x1 कामा y1 एट सर्कल। मैं सबको एक साथ समराइज कर दूंगा अभी फटाफट। देखो एक सर्कल है अपने पास, ये अपने पास एक सर्कल है, इसका कोई पॉइंट है x1 कामा y1, और इस पे अपने पास टेंजेंट की बात कर रहा है कि ये टेंजेंट निकालना है, और ये अपने पास ये टेंजेंट की इक्वेशन पता करना है कि क्या टेंजेंट है। तो हम कहेंगे कि ये P बराबर वही आपका जो भी है, इसका इक्वेशन मैंने थोड़ी देर के लिए कहा कि y इक्वल टू mx प्लस c है, तो ये इसका, अच्छा इसका सर्कल का है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, यही है, ये वाला सर्कल है, तो इसका सेंटर आपका 0.0 है, तो मैं कहूंगा कि P बराबर r हो जाएगा इसके लिए,
अरे बात समझ में, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताओ, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अरे ठीक है बोलो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, अच्छा हो जाएगा ना इतना। अच्छा P बराबर आपका R, अच्छा मैं थोड़ा दूसरे तरीके से ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ ना कि इसको आपके सामने ऐसे रखो कि ये हमारे लिए निकल के आ जाए x x1 y y1 इक्वल टू t स्क्वायर। अच्छा C की वैल्यू कितना आएगी बाय द वे, C की वैल्यू कितना होगी हमारे लिए, यहाँ पे C की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या अंडर रूट में वन प्लस एम स्क्वायर के आर अंडर रूट में सी इज इक्वल टू आर अंडर रूट में वन प्लस एम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा क्या? अच्छा ये कहां से पास होगा, ये अगर अपने पास है तो ये कहां से पास होगा, ये क्या ये वाली जो सर्कल जो ये वाली टेंजेंट है वो इस पॉइंट से पास हो रही है क्या, इस वाले पॉइंट से पास हो रही है क्या, पास हो रही है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा यहां से हम ये इसको टेंजेंट में अगर इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाएंगे तो वाई वन इक्वल टू एम एक्स वन प्लस प्लस जो भी है सी हो जाएगा। अब सी की जगह पर ये हम पुट कर देंगे, इतना तक तो ठीक है, इतना तक तो ठीक है। और P की वैल्यू अगर हम P बराबर R करें तो P बराबर R से X1 माइनस Y1, ये चीज हमको मतलब हमको जो चाहिए वो एक्चुअल में चाहिए ऐसे कि जब आपका पॉइंट कोई सर्कल के ऊपर होता है तो अपने पास सर्कल की इक्वेशन हो जाती है टेंजेंट की इक्वेशन X X1 प्लस Y Y1 इक्वल टू आपका R स्क्वायर, ये होता है कभी देखा होगा क्या, x x1 plus y y1 equal to r square, आ रही बात समझ में? तो यही बात अपने को निकालनी है, ठीक है ना, जरा इसके ऊपर सोचते हैं कैसे निकालते हैं, क्या हम करने वाले हैं, क्या क्या था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 comma y1 ऑन सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। अभी मैं बता दूंगा कि बाय द वे कैसे उसको और बढ़िया से शिफ्ट करते हैं, जैसे अपने पास ये सर्कल है, ये तो बस अभी थोड़ी देर के लिए बस ये ट्रेलर है और असली कहानी इसका कुछ और चलेगा वो मैं बता दूंगा, बस एक लाइन का होता है, ज्यादा याद भी नहीं करना होता है। ये आपका कोई सर्कल का ये टेंजेंट है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो इस पॉइंट पे कह रहा है कि एक्स वन कामा वाई वन पे टेंजेंट है, यहाँ पे आपका जीरो कामा जीरो है ये, ठीक है, ये वाली आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू आर हो गया। अगर हम इसका स्लोप, ये दोनों पे दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना ये, तो अगर इसका स्लोप आपका है, इसका स्लोप आपका क्या हो जाएगा, वाई वन माइनस जीरो अपॉन एक्स वन माइनस जीरो, मतलब वाई वन बाई एक्स वन, सही है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप यानी इसका m की वैल्यू आ गई यहां से, क्योंकि स्लोप m है, m की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स वन बाई वाई वन, यही रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस के साथ, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा c की वैल्यू अपने पास कितना है, अगर ये टेंजेंट है तो c की वैल्यू r अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर के बराबर है, सिंपली सही है, तो c इज इक्वल टू r अंडर रूट वन माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में r अंडर रूट में x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि x1 y1 इस सर्कल पे लाई कर रहा है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की दूसरी वैल्यू आपका r स्क्वायर के बराबर है, एक ये भी वैल्यू बराबर है r स्क्वायर की, तो c बराबर हो गया r अपॉन y1 अंडर रूट में, हाँ बोलो बेटा आर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर बाई वाई वन, सी की वैल्यू आ गई, मतलब अपने पास आ गया सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई वाई वन, और एक्स इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू आ गया माइनस एक्स वन बाई वाई वन, उठा कर रख दिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में रख दिया तो क्या दे दिया, ये आ गया आपके सामने वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हमने रख दिया इसको, तो ये हो गया आपका y के जगह पे y, m के जगह पे माइनस एक्स वन बाई वाई वन एक्स प्लस आर स्क्वायर बाई वाई वन, और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके एलसीएम ले ओके और इसके इधर भेज दिया, तो x x1 y y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बोलो बात समझ में आ गया? लेकिन ये जो चीज आई हुई है ना, ये तो सर क्या हर बार इतना काम करेंगे, इतना कठिन, तो उससे अच्छा पहले वाला ही लगा ले, पर ये काम हर बार नहीं करना है, क्या करना है वो मैं आपको फिक्स तरीका बता देता हूँ कि क्या करना है आपको सवालों के दौरान। मैं इसको हटा दूं अब, हटा दो बेटा, ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया, अब जरा देखो क्या करना है सवालों के दौरान, एकदम फिक्स तरीका है कि देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ पॉइंट लाई ऑन सर्कल या लाई ऑन कर्व, सर्कल के बजाय मैं थोड़ा और जनरलाइज कर देता हूं कर्व, ठीक है ना। देखो एक चीज आपको मैंने एक टर्म दो टर्म से मैंने आपको अभी तक इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, एक एस याद है, एस एक टर्म मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एस एस क्या होता है,
सीधे सीधे उस सर्कल को लिख देना, उस कर्व को सीधे सीधे लिख देना एस था। एक मैंने एस वन या एस डैश बताया था, वो पॉइंट जो भी पॉइंट होगा उसको उठा के उसमें रख देना, ठीक है। तो हम पहले बता चुके हैं, जैसे मान लो सर्कल अपने पास है, कोई भी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो एक्स एक एस टर्म से इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, ये हो जाएगा। एक एस वन कर चुके हैं, अगर पॉइंट अपने पास x1 कामा y1 है तो ये हो जाएगा, s1 से कर चुके हैं कि ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, ये किस लिए किए थे, पोजीशन ऑफ पॉइंट के लिए किए थे क्या? यस सर। ये s1 ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट बाहर, s1 इक्वल टू 0 तो पॉइंट अंदर, s1 लेस देन 0 तो अंदर, याद है, इसके लिए किए थे। अब तीसरा एक टर्म यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं t, अरे बात समझ में, तो टी क्या होता है, टी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फॉर टी पुट या रिप्लेस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो वाई वाई वन से, एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, वाई को रिप्लेस कर दो वाई प्लस वाई वन बाई टू से, और अगर कभी एक्स वाई, जो कि यहां पे नहीं आएगा, पर कभी अगर आया एक्स वाई, अगर एक्स वाई का टर्म आया तो उसको एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू से रिप्लेस कर दो, बोल कोई भी कर्व हो सेकेंड डिग्री का, अरे बात समझ में, सेकेंड डिग्री में अगर पॉइंट कहां होना चाहिए, इफ पॉइंट ऑन द सर्कल, इफ पॉइंट ऑन द कर्व, अगर कर्व है तो टी को ऐसे, पॉइंट कर्व पे नहीं है तो भी टी को तो यही डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। अब आप दूसरी जो बात हमको करनी है, बाहर भी दिया रहेगा तो टी तो यही रहेगा, पर उसका मतलब अलग अलग निकल के आएगा, वो मैं बताता हूं। अभी तो फिलहाल मैं बस आपको टी से मैंने इंट्रोडक्शन कराया कि टी क्या है। अगर ये पॉइंट अगर ये पॉइंट इफ इफ पॉइंट पी एक्स वन कामा वाई वन ऑन द कर्व, अगर ऑन द कर्व होगा देन आपका टी इक्वल टू जीरो गिव्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, गिव्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ कर्व पे टेंजेंट, से मान लो ये सर्कल है, क्या सर्कल है, तो सर्कल पे ना हो तब इससे हम नहीं निकालेंगे, तब लिखाता हूं किससे निकालेंगे, ठीक है ना। अगर पॉइंट, अगर मान लो कि ये पॉइंट आपका x1 कामा y1 है और कह रहा है कि इसके ऊपर सर्कल का टेंजेंट यानी टेंजेंट का इक्वेशन निकालनी है, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, टी इक्वल टू जीरो होगा, अरे बात समझ में, कर्व क्या है एस इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही है। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू एक्स को एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे देखो एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर किससे वाई वाई वन से, एक्स और वाई है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस आर स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू जीरो, याद करो पीछे यही आया था क्या आंसर, अरे बात समझ में, मतलब अगर पॉइंट आपका कर्व यानी सर्कल के ऊपर लाई करेगा तो सिर्फ t इक्वल टू जीरो, या कर्व के ऊपर लाई करेगा तो t इक्वल टू जीरो। अगर यही x का टर्म होता तो भी, जैसे मान लो कि अगर अपने पास सर्कल ऐसे है, अगर मान लो कि ये मैं इधर वाला पार्ट हटाता हूं, ठीक है, हटा दू ना, सब लोग लिख लियो ना इधर वाला पार्ट, तो कर्व पे ही होना चाहिए पॉइंट, तभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टी इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन अगर टी की वैल्यू लिखनी होगी तो टी की वैल्यू चाहे वो पॉइंट कर्व पे हो या ना हो, टी की वैल्यू तो यही रहेगी, ठीक है ना। टी इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब कर्व पे होगा तब। जैसे मान लो मैंने एक सवाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू टू एक्स माइनस प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट जीरो कामा जीरो, किस पे निकालना है, जीरो कामा जीरो। तो अब जब देखो यहाँ पे एक्स वन कामा वाई वन की वैल्यू क्या है, जीरो कामा जीरो है, अरे अरे बात समझ में, पहले हम मान लेते हैं कि एक्स अगर एक्स वन वाई वन अगर ये, अच्छा पहले ये देखो जीरो कामा जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना, डेफिनेटली कर रहा है, तो t इक्वल टू जीरो हो जाएगा इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि जीरो कामा जीरो आपका ऑन द सर्कल है।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू जीरो का मतलब x x वन ठीक है प्लस ये y y वन प्लस टू x प्लस x वन बाई टू, मैं लिख लेता हूं x x वन y y वन प्लस टू x प्लस x वन बाई टू प्लस फोर y प्लस y वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, बाकी कुछ है ही नहीं, थी जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई प्लस टू एक्स प्लस जीरो बाई टू प्लस फोर वाई प्लस जीरो बाई टू इक्वल टू जीरो। फाइनली आया ये टू से टू कटा, यहाँ पे टू से टू कटा, ये आया एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। बोलो बच्चों बात समझ में आया, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। तो अब यहां से जो पूरा हमको मिला ओवरऑल वो ये मिला कि अगर मान लो कि पॉइंट, अगर यही आपका बस यही तक ध्यान रखने वाली बात है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पॉइंट ए पॉइंट ऑन द सर्कल देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तब क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू जीरो। अगर पॉइंट ए पॉइंट हाँ आउटसाइड आउटसाइड द सर्कल, जनरलाइज नहीं मतलब जनरलाइज नहीं नहीं, यहां तो ठीक है, नीचे वाले के लिए जनरलाइज करेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है ना, नीचे वाले के लिए मामला गड़बड़ जाएगा। इस पॉइंट आउटसाइड द सर्कल देन टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर बाहर होगा तो कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, कितनी, अगर पॉइंट बाहर है तो कितनी टेंजेंट खींची जाएगी, दो, ठीक है। तो इफ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल देन टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूज y इक्वल टू एम एक्स प्लस प्लस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, पीछे सवाल करा चुका हूं मैं इस पे। और इसमें क्या करेंगे कि यहां से जब इसका यूज करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और यहां से गेट वैल्यू ऑफ m, आपको m की वैल्यू निकाल लेनी है, गेट वैल्यू ऑफ m, यही आपका पूरा ओवरऑल तरीका है। जैसे मान लो किसी ने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट माइनस वन कामा थ्री ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो पहले आप चेक करोगे कि ये वाला जो पॉइंट है वो इसके ऊपर लाइक कर रहा है कि नहीं लाइक कर रहा है, सबसे पहले आप ये चेक करोगे, जरा चेक करके बताओ लाइक कर रहा है क्या। ये हो गया एक तीन का स्क्वायर नौ, नौ एक दस, माइनस माइनस एक दस ग्यारह, थ्री टू जै सिक्स कितना, 11 में से माइनस छह निकला माइनस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव में से सेटिस्फाई कर गया, यानी माइनस वन कामा थ्री लाई ऑन द सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो, जरा निकालो तो आप लोग, मैं इधर काटाता हूं तब तक। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो लिखेंगे फटाफट, एक्स एक्स वन के जगह अरे बिल्कुल गल आते का मतलब कि ये बीच का पार्ट है, ये यूज होते हैं सवाल में, ये हो जाएगा थ्री वाई, फिर यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स वन के जगह पे माइनस वन अपॉन टू, फिर प्लस नहीं माइनस टू वाई के जगह पे आपका वाई प्लस थ्री बाई टू, फिर आपका माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, यहां पे हो गया माइनस एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एक्स माइनस वन बाई टू, फिर ये माइनस टू से टू कट गया वाई माइनस थ्री माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, ओवरऑल सब में टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस टू एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस एक्स माइनस वन माइनस टू वाई माइनस सोलह लिख दिया एक ही बार अच्छा इकट्ठे इक्वल टू जीरो, ये माइनस टू और ये माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स में से निकलेगा प्लस फोर वाई, और फिर ये सोलह और एक सत्रह माइनस सत्रह इक्वल टू जीरो, यही आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, आगे बात समझ में ना, ठीक है मैं नोट कर लो आप। तो एक और पॉइंट इसमें बढ़ा लो भाई, कौन सा पॉइंट बढ़ाना है,
कि अगर मान लो कि पॉइंट अंदर हो गया तो हाँ तीसरा ये वाली बात लिख लो ये भी कि पॉइंट हाँ नहीं उसको बोलते हैं ना पोल बोलते हैं बाद में बताऊंगा उसको पोल एंड पोलर सिलेबस में नहीं है अपने अपने सिलेबस में ए पॉइंट इज इनसाइड इनसाइड द सर्कल देन नो टेंजेंट पॉसिबल और उस केस में जो टी इक्वल टू जीरो लिखते हैं ना वो आपका पोल होता है वो आगे चल के मैं बताऊंगा नो टेंजेंट पॉसिबल कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है नो टेंजेंट पॉसिबल। अच्छा अब आते हैं जो मैंने एक सवाल आपको दे रखा है क्या है सवाल फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू अरे पढ़ लोगे ना ये तो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू पहले ईओ सी मतलब कि इक्वेशन ऑफ सर्कल अब टी आ गया टेंजेंट पासिंग थ्रू 4,7 ऑन द सर्कल या टू द सर्कल सर्कल की इक्वेशन क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर कितना 4y है 4y माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अच्छा अगर ऐसा है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पॉइंट पॉइंट को चेक करने के लिए S1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 और 49 माइनस 24 प्लस 28 और ये इतना ज्यादा हो गया कि ये पॉजिटिव मतलब दूर का ही निकल गया। आई बात समझ में यानी ये ऐसा कोई सर्कल हो गया सर्कल का सेंटर जरा बता देना बच्चों सर्कल का सेंटर 3, -2। अच्छा ये कोई पॉइंट यहाँ कहीं है तो यहाँ से अपन ऐसे ऐसे दो टेंजेंट खींच सकते हैं और जीरो टेंजेंट का लिखने का तरीका मैंने बताया था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी एम एक्स प्लस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर लेकिन ये तब मैंने बताया था जब आपका सर्कल का सेंटर 0,0 था लेकिन पहले इसका सर्कल को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी सेंट्रल फॉर्म में बनाना पड़ेगा तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख पाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा बना लेते हैं तभी पता चलेगा कि सर्कल ओरिजिन से कितना दूर शिफ्ट हो चुका है। तो आपका इसका जो सर्कल है वो आपका देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स एक्स है तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पे माइनस नाइन घटा दो क्या यार ये बात समझ में यहाँ पे एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर किया तभी तो माइनस सिक्स आएगा तो यहाँ पे प्लस नाइन जोड़ा माइनस नाइन घटा दिया वाई और टू ये क्या दे दिया वाई प्लस टू का होल स्क्वायर तो माइनस फोर घटा दो। अच्छा पहले से ऑलरेडी कितना है आई बात समझ में तो कितना हो गया ये एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 9 4 13 16 सही है यानी इसकी रेडियस r बराबर कितना हो गया 4। अच्छा अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय द वे कितना हो जाएगा y प्लस टू इसके जगह पे y के जगह पे y प्लस टू और यहाँ पे इक्वल टू m x के जगह पे x माइनस थ्री प्लस r r के जगह पे 4 अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर कहां से पास बिल्कुल कहां से पास हो रही है ले रुको तो बताना है पूरा पास कहां से हो रही है 4,7 से अगर ये हो गया 7 और 2 यानी 7 प्लस 2 इक्वल टू एम 4 माइनस 3 प्लस 4 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर ये कुछ छूट गया क्या नहीं सही है 7 और 2 कितना 9 9 माइनस इधर भेजा कितना 9 हाँ एम प्लस प्लस 4 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर सही है क्या इतना नहीं एम को इधर लेकर स्क्वायर करें हाँ एम को इधर लेकर स्क्वायर करेंगे ठीक है तो एम को इधर लाके स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जरा बताओ 9 माइनस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 1 प्लस एम स्क्वायर ठीक है तो ये क्या हो गया आपका 81 प्लस एम स्क्वायर सही है क्या फिर माइनस 18 एम फिर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 एम स्क्वायर सही है क्या। अच्छा यहां से तो एम की वैल्यू क्लियरली 2 आती हुई दिख रही है एम उधर भेज दिया हमने एम उधर भेज दिया तो आपका 15 एम स्क्वायर माइनस 18 एम नहीं प्लस 18 एम और ये 81 उधर जाके घटाया तो कितना हो गया माइनस इसका जगह घटाया ना 65 इज इक्वल टू 0 तो ये क्या है क्या ये 5 ये 15 से या 5 से कुछ से कट रहा होगा
तीन से कट रहा है, तीन से कट रहा है, नहीं तीन से किसी से नहीं कट रहा है, तो इसका फैक्टर निकाल के देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है ना। ये 13×5 = 65 इसमें तो दिख रहा है, इसमें कितना आ रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, अभी मुझे सवाल जो सेट करना था वो मैं अगले दिन करा दूंगा, चूंकि टाइम हो गया है। जो सवाल सेट करना था ये कि ऐसा हमें सेट करना था ना कि यहाँ पे कट जाए एम स्क्वायर, कट जाए एम स्क्वायर, मैं अगले दिन सेट करके तुरंत लिख दूंगा, ठीक है। चलो